हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन में सबसे पहले कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, ऑर्गेनिज्म फूड कैसे लेता है। सबसे पहले बात करेंगे यूनिसेलुलर, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ये फूड कैसे लेते हैं। बच्चों, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर हैं वो अपना फूड अपना फूड कैसे लेते हैं, थ्रू द एंटायर सरफेस। दे टेक फूड थ्रू द एंटायर सरफेस, अपनी पूरी बॉडी सरफेस से फूड लेते हैं। पूरी बॉडी सरफेस से कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं, देखो ये पूरी बॉडी सरफेस है, फूड पार्टिकल यहाँ आया, टेक, और ये अपनी सरफेस से ही फूड पार्टिकल को क्या करते हैं कि यूँ देखो अभी इस तरह से, ठीक है। तो कैसे लिया, ये सरफेस, ये बॉडी सरफेस, ठीक, थ्रू दिस बॉडी सरफेस। एग्जाम्पल अमीबा में पढ़ेंगे, पैरामीशियम में पढ़ेंगे कैसे फूड लेता है। ओके बच्चों, पहले बात करें अमीबा कैसे फूड लेता है, हाउ द अमीबा टेक फूड, हाउ द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन अमीबा। देखो अमीबा क्या करता है कि अमीबा विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, दिस इज अमीबा, ये अमीबा है, लुक द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, ओके, एंड दिस वन इज फूड, ओके, दिस इज फूड पार्टिकल, ओके। स्यूडोपोडिया फॉर्म व्हेन फूड पार्टिकल कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस मेम्ब्रेन, दिस स्यूडोपोडिया दैट इज फॉल्स पोडिया फॉर्म अराउंड दिस फूड, ओके, इस चारों तरफ, खाने के चारों तरफ घेर लिया। एंड फूड, ये फूड जो है ये आ गया साइटोप्लाज्म में, फूड आ गया साइटोप्लाज्म में, ये देख रहे हैं ये फूड आ गया, ठीक। अब क्या होता है इसके बाद, फिर देखो क्या होता है कि इसके बाद ये जो इसी अमीबा में, इसी के अंदर, डायग्राम थोड़ा सा अलग बना लें, देखो इसका कि ये बड़ा सा है अमीबा, देखो, ठीक। अब इसमें क्या है कि इसके अंदर ये फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल है, और इस फूड वैक्यूल के अंदर ये फूड है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपका फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल हो गई, ओके, और इसके अंदर ये फूड है, ठीक है। ये इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर फूड है, ठीक। अब इसके पास होता क्या है कि इसी के पास ये डाइजेस्टिव एंजाइम जिसमें भरे रहते हैं, जिसको कहते हैं लाइसोसोम, ये लाइसोसोम कम इन कॉन्टैक्ट विद द फूड वैक्यूल, इसके अंदर आता है और अपने एंजाइम डाल देता है, ठीक। तो उसके बाद फिर ये फूड वैक्यूल के ही अंदर जो फूड होता है, जब ये इसके अंदर स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, दैट इज डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल, ओके। और उसके बाद फिर ये जब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ये पूरे साइटोप्लाज्म में, इसका साइटोप्लाज्म साइक्लोसिस मूवमेंट से पूरे साइटोप्लाज्म में ये डिस्ट्रीब्यूट करती है फूड को, ये फूड वैक्यूल पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और उसके बाद इन द लास्ट when it is comes in contact with the cell membranes के पास आती है, और जो भी undigested food material इसके पास होता है वो ये बाहर निकाल देती है, and this process is called ejection, that is ejection, and this intake of food is called ingestion, removal of undigested food is called ejection, एंड टेकिंग फूड, अंदर लेना खाने को क्या कहते हो, इंजेशन कहते हो। इंजेशन कैसे होता है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है, सेल मेम्ब्रेन से होता है, ये भी किससे हो रहा है,
by with the help of cell membrane, okay, and ejection, this ejection also takes place with the help of cell membrane, okay. Now look this flow chart, this flow chart, okay. See, amoeba, pseudopodia hai, theek. Pseudopodia ka hai, these are the extension of the cell membrane, these are extension of the cell membrane, okay. Look this, okay. And the pseudopodia capture food, take food kahan liya, food vacuole mein, digestion takes place inside the food vacuole, okay. And diffusion, diffusion of the simple substance in the cytoplasm, undigested food move to the surface, that is cell membrane, and thrown out, okay. See, okay. Now amoeba, now next is paramecium. How the paramecium take food, okay. Now see the diagram of the paramecium. This is paramecium. Inside, in the paramecium, okay, this is paramecium, okay, and many cilia are present on the surface of this paramecium, okay, many cilia are present. When any food particle come in contact with the this, okay, the cilia direct the food. The cilia kya karte hain ki food ko direct karte hain toward the special spot, and this special spot is called this special spot, it is called cytopharynx. साइटोफेरिंग्स की फूड की तरफ फूड को डायरेक्ट करते हैं, यहाँ आया फूड, उसके बाद ही कैविटी के अंदर आया, इस कैविटी के अंदर आया, यहाँ आया, और यहाँ से फिर ये फूड पार्टिकल यहाँ से डिटैच हो जाता है वैक्यूल के अंदर, और वैक्यूल के अंदर ये फूड वैक्यूल बन जाती है, एंड देन डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फूड वैक्यूल. नाउ क्वेश्चन इज हाउ पैरामीशियम टेक फूड. पैरामीशियम टेक फूड विद द हेल्प ऑफ सीलिया. Cilia presents all over the body, and these cilia direct the food toward the specific spot, and through this specific spot is cytopharynx. Food enter into the cytoplasm in the food vacuole, okay. This is the method how the paramecium takes place, okay, how the paramecium take food take. Next is होलोजोइक स्टेप्स ऑफ द होलोजोइक स्टेप न्यूट्रिशन. क्या क्या स्टेप्स हैं. पहला इंजेशन, नंबर वन इंजेशन, ओके. इंजेशन क्या होता है, इंजेशन खाना खाना, कैसे खाना खाता है, ओके. ये फूड को इनटेक करना, मुंह के अंदर ले जाना, चबाना, ये इंजेशन है, ओके. इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, ओके. डाइजेशन इट इज अ chemical digestion, that is enzymatic hydrolysis, okay. Then absorption mein kya hota hai ki jo nutrients food material hote hain ye body ke andar enter karte hain. Yahan pe dekho intestine mein chemical breakdown ho raha hai ye, okay. Aur chemical digestion ke baad mein yani hydrolysis, food ka breakdown, hydrolysis water se enzyme hydrolysis hota hai in the presence of enzyme, okay. और जो उसके बाद फिर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं है ना, वो यहाँ से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्बिशन. एंड आफ्टर द एब्जॉर्बिशन एसिमिलेशन. नेक्स्ट इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मींस दैट इज द एब्जॉर्ब फूड मटेरियल बिकम पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म. दैट इज एब्जॉर्ब फूड बिकम पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, ओके. तो साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाता है, वो साइटोप्लाज्म में बिल्कुल विलीन हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ओके. एंड नेक्स्ट वन इज इजेशन.
दैट इज इजेशन. रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन. ओके दैट इज एलिमिनेशन. नाउ ये नाउ दैट इज, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, देखो ये क्वेश्चन हो सकता है, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ द होलोजेनिक न्यूट्रिशन. तो यही 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप लिखने. ओके ये क्वेश्चन है एक. नाउ नेक्स्ट इज आपके 10th एग्जाम में पूछा जाता है. ओके नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होता है एंड इट डाइजेशन दिस डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इसमें मेनली एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स होती हैं. ओके दैट इज दीज ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं. दीज एंजाइम ब्रेक डाउन द फूड मटीरियल इंटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. ओके एंड मेन ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, देखो सबसे पहले माउथ, फिर इसोफेगस, उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस. ओके दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मेन ग्लैंड्स. दीज आर द मेन ग्लैंड्स, मेन ग्लैंड्स नंबर 1 सलाइवरी ग्लैंड. ओके नंबर 2 सलाइवरी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी. ओके टोटल 3 pair, टोटल 3 pair सलाइवरी ग्लैंड्स यानी टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन अवर बक्कल कैविटी. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दीज प्रेजेंट इन स्टमक. कहाँ रहती हैं ये, स्टमक में रहती हैं, डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं. दीज प्रेजेंट इन स्टमक. ओके एंड नेक्स्ट ग्लैंड इज लीवर, इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड. ओके एंड दिस लीवर सिक्रीट, ये लीवर बहुत सारे फंक्शन है. ओके लार्ज नंबर ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लीवर बट इट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इट सिक्रीट द बाइल जूस. ये क्या सिक्रीट करता है, सिक्रीट करने का बताना है तो सिक्रीट करने का बोलना है कि ये भैया बाइल जूस सिक्रीट करता है. ओके सिक्रीट बाइल जूस, ये बाइल जूस सिक्रीट करता है. ओके बाइल जूस. ओके एंड दिस बाइल जूस स्टोर इन द गॉल ब्लैडर. ओके एंड नेक्स्ट ग्लैंड इज पैंक्रियास, इट सिक्रीट मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स. एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, दीज इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन. ओके सी द डायग्राम, दिस डायग्राम लाइन डायग्राम. ओके विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू कैन इजीली अंडरस्टैंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ओके एंड देयर ग्लैंड्स, फर्स्ट वन इज माउथ, नंबर 1 माउथ. सी this is mouth. Okay and organs, next one is esophagus, this is esophagus, this one see, this is esophagus which connect buccal cavity, this is buccal cavity, jo cavity hai, this cavity is buccal cavity, buccal cavity. Okay सलेवरी ग्लैंड्स, दीज सलेवरी ग्लैंड्स, हाउ मेनी सलेवरी ग्लैंड्स बताया अभी आपको, बताया कितनी होती हैं, 3 pair. दीज ओपन इन टू द बक्कल कैविटी. ओके इसोफेगस कनेक्ट बक्कल कैविटी टू द स्टमक, दिस इज स्टमक. ओके एंड स्टमक, दिस स्टमक. ओके एंड नेक्स्ट वन इज स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन का ध्यान रखना है कि स्मॉल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका ल्यूमेन कम है, और लार्ज इंटेस्टाइन उसके बाद इसका ल्यूमेन ज़्यादा होता है, इसलिए इसको लार्ज बोलते हैं. ओके एंड नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन. ओके इट टर्मिनल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज रेक्टम एंड रेक्टम ओपन इनटू एनस. ओके नाउ ग्लैंड्स, दीज ग्लैंड्स, ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं, सी द ग्लैंड्स, डिफरेंट ग्लैंड्स. फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड. ओके नेक्स्ट लीवर,
एंड पैंक्रियाज. ओके दिस सी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ओके बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लीवर से देखो यहाँ से बाइल बना. ओके यहाँ से क्या बना? बाइल. ओके अब ये बाइल जो है स्टोर हुआ यहाँ से आकर के स्टोर हुआ कहाँ? ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ, इसके अंदर भर गया, गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ. ओके अब यहाँ से ये पैंक्रियाज है, सी दिस इज पैंक्रियाज. इस पैंक्रियाज फॉर्म पैंक्रियाटिक जूस. पैंक्रियाटिक जूस ये डक्ट है, पैंक्रियाटिक डक्ट. दिस डक्ट इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक डक्ट. दिस इज पैंक्रियाटिक डक्ट. ओके एंड दिस डक्ट गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है ये बाइल डक्ट है. ओके सिस्टिक डक्ट. दिस डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट. दिस इज बाइल डक्ट. दिस वन इज बाइल डक्ट. बाइल डक्ट. ओके दिस बाइल डक्ट एंड दिस पैंक्रियाटिक डक्ट ओ कॉमनली ओपन. एक साथ देखो ओपन हो रही है यहाँ पे देखो. तो इधर से क्या आ रहा है? ये बाइल पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है. ये यहाँ पे आएगा. ओके और इधर से क्या आ रहा है? इधर से आ रहा है ये बाइल जूस. तो बाइल जूस ये आ रहा है. देखो ये बाइल जूस यहाँ पे आया, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस भी आया और क्या आ रहा है? ये पैंक्रियाटिक जूस भी आ रहा है. ये पैंक्रियाटिक जूस. पैंक्रियाटिक जूस में देखो एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, है ना, जो डाइजेशन करेंगे. और बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है तो इस जगह पे एसिडिक मीडियम बनाता है. ओके देखो समझना ये है, एक बात समझनी है आपको. ओके इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके यहाँ पे डाइजेशन होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सिक्रीट एंजाइम्स. ओके विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके लार्ज इंटेस्टाइन, इन लार्ज इंटेस्टाइन मेनली एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस. ओके यहाँ होता है. उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल स्टोर इन द रेक्टम एंड इट रिमूव आउटसाइड थ्रू द एनस. ओके नाउ लुक दिस डायग्राम, डायग्राम दिस डायग्राम. ओके दिस इज ओरिजिनल डायग्राम एंड नाउ सी वेरी carefully observe this diagram. See, these are the salivary glands. Okay, 1, 1, 2, and 3. These are the impairs, that is 3 pair salivary gland open into buccal cavity. Buccal cavity open कहाँ हो रही है? ये esophagus है देखो, ये पूरा track. Okay, it open into sac like structure. This is stomach. This is stomach. Stomach है ये. Okay. It is this one is detailed structure, that is 2 valves are present. One is sphincter, जो esophagus between esophagus और stomach के बीच में है. This is infector, sphincter. ये sphincter क्या करता है? खाने को इधर आने देता है, ये इधर अंदर आने देता है, इधर आता है खाना, food particle. And another is sphincter present in between duodenum. Between duodenum, this is duodenum, okay, duodenum of the small intestine. Between duodenum and stomach, this sphincter is present. तो ये food को यहाँ से stomach जब digest हो जाता है तो ये allow करता है आगे जाने के लिए. Okay, stomach में digestion होता है with the help of gastric juice. Okay, now next, this stomach open into small intestine. This is coiled small intestine. See. Highly coiled, okay. It connect into the large intestine. This point connect into the large intestine. Okay, see, this is the okay. See, this is large intestine. Okay, and it is cecum vermiform appendix. This is cecum. First part of the large intestine is called cecum. In the cecum, small intestine इसी में open हुआ. Small intestine.
दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, यस, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इन दिस, ओके, यहीं पे ओपन हुआ ये, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, एंड सीकम, दिस इज सीकम, सी, एंड दिस इज वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ओके, सीकम, दिस सीकम, ओके, सीकम कंटिन्यू इनटू द कोलन, नाउ दिस इज कोलन, ओके, एंड कोलन, दिस इज कोलन, 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 क्वाइल्ड, कोलन, दिस इज कोलन, ओके, एंड नाउ कोलन कंटिन्यू इनटू द रेक्टम एंड एनस, ओके, सीकम एंड दिस पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, दिस वन, दिस पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज कॉल्ड असेंडिंग कोलन, अब ऊपर की तरफ जा रहा है, इट इज कॉल्ड असेंडिंग कोलन, ओके, एंड दिस कोलन ट्रांसवर्स कोलन, दिस पार्ट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हो, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कोलन, एंड दिस पार्ट जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको क्या कहोगे, यस, इसको कहोगे डिसेंडिंग कोलन, इसको कहोगे डिसेंडिंग कोलन, ओके, एंड दिस वन इज रेक्टम, व्हाट इज दिस, ये क्या है, रेक्टम है और ये ओपन हो रहा है आउटसाइड थ्रू एनस, ओके, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये ध्यान रखना है इसमें, और ध्यान ये रखना है कि ये जो है ये इस इलियम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ओके, ये क्या है, इलियम है, इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन हो रही है यहाँ पे, ओके, तो ये आप डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, नाउ वी विल बी डिस्कस दैट हाउ फूड टेक्स प्लेस, हाउ एपिग्लॉटिस वर्क, किस तरह से काम करता है, देखो अब बहुत ध्यान से देखो ये फिगर, ठीक, अब आपको मैं ये बताता हूँ कि ये कैसे फूड लेते हैं, देखो ध्यान से इस फिगर को देखो, तो ये क्या है इसमें कि ये बकल कैविटी है, देखो ये बकल कैविटी है, यहाँ से ये टंग है, ये पूरी टंग है, और ये खाना यहाँ से चबा कर के ये निकला जा रहा है, ये ग्रीन कलर का, मैं इसको, ये खाना है, फूड पार्टिकल है, बोलस जिसको कहते हैं, जब चबा चबा करके निकलने की लुगदी जैसा बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हो, बोलस कहते हो, ओके, दूसरा देखिए, एक और बात को देखिए, ये नेजल चैम्बर है, यानी ये पूरा नेजल चैम्बर है, यहाँ से ये एयर, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इस नीचे की तरफ जब आओगे आप तो यहाँ से ये पैसेज पूरा आ रहा है, और उसके बाद ये दो रास्ते बन रहे हैं, एक रास्ता ये एयर जाने के लिए, और दूसरा रास्ता ये फूड जो इधर से आना है, जिस फूड को आना है, तो ये फूड वाला रास्ता ये फूड, फूड इधर जाना है, ओके, और एयर ये इधर जानी है, एयर किधर जानी है, एयर ये इधर जानी है, ओके, ये काम होना है, अब देखो किस तरह से ये कंट्रोल करता है, समझिए बात को, जैसे ही फूड जो बोलस होता है फूड का, ओके, वो नीचे की तरफ निकलते हो, वैसे ही क्या होता है कि ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, देखो दिस इज द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन, सी, दिस इज फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ओके, दिस वन इज फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ओके, दिस इज द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ये वाइट, ये देखो ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, फिर से देखो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ओके, दिस इज फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ओके, नाउ
व्हेन फूड इंजेस्ट, जैसे ही बोलस फूड आता है नीचे की तरफ, देखो वैसे ही क्या होता है, वैसे ही जैसे ही फूड आता है नीचे की तरफ, देखो ये फूड आ रहा है, जैसे ही फूड आता है वैसे ही क्या होता है कि ये जो फ्लैप है, ये फ्लैप था, ये क्या कर देता है कि ये आप ये जो विंड पाइप है, ये वाला विंड पाइप था, ये विंड पाइप था, इसको देखो क्या कर दिया, इसने बंद कर दिया, फूड इधर आ रहा है और ये क्या कर दिया, ये पूरा इसको बंद कर दिया है, देखो ये बंद हो गया है, ये इट क्लोज, ओके। और फूड, दिस फूड इंटर इनटू द इसोफेगस, ओके, दैट इज दिस इपिग्लॉटिस, दिस इपिग्लॉटिस, दिस इज द इपिग्लॉटिस, इट इज कार्टिलेजिनस फ्लैप, ये किसका बना होता है, कार्टिलेज का होता है, ओके, ये कार्टिलेज फ्लैप, ओके, जो क्या कर देता है, किसको क्लोज कर देता है, क्लोज किसको कर देता है, इस क्लोज कर देता है किसको, ग्लॉटिस, जो ओपनिंग होती है, देखो यहाँ पे दो ओपनिंग है, ध्यान रखो मैं आपको बता रहा हूँ, एक ओपनिंग ये ट्रेकिया की है, इट इज ट्रेकिया, दिस इज ट्रेकिया, ओके, एंड अनदर ओपनिंग, दिस ओपनिंग, दिस इज ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस, ओके, दिस इज ओपनिंग ऑफ इसोफेगस, किसकी ओपनिंग है, इसोफेगस की, ओके, यहाँ पे लिख रहे हैं इसोफेगस, ओके, एंड नाउ ओपनिंग ऑफ दिस ट्रेकिया, ओपनिंग, दिस वन इज ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, एंड दिस ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया इट इज कॉल्ड ग्लॉटिस, ओके, एंड ओपनिंग ऑफ दिस इसोफेगस इट इज कॉल्ड गलेट, गलेट, इसको क्या कहते हो, गलेट कहते हो, ओके, अब नाउ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ओके, ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर क्या है कि वो देखो इस तरह से ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर थी, When we swallow the food, जैसे ही फूड लेते हैं वैसे ही इसको क्या कर देता है, ये क्लोज कर देता है, ये पूरा ढक्कन इसको बंद कर देता है, ओके, क्लियर हुआ, दिस वन इज, व्हाट इज दिस, दिस वन इज epiglottis, 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 okay, now look this, this it is mechanism how this epiglottis and glottis, okay, and what is gullet, this is gullet, gullet it is opening of the esophagus, okay, and glottis opening of the trachea, okay, epiglottis present on glottis, okay, it close the ग्लॉटिस, दैट इज विंड पाइप, ट्रेकिया, एंड ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग, जैसे ही खाना निकलते हैं वैसे ही, है ना, और देखो एक बात, ये साउंड बॉक्स जो है, ये भी ध्यान रखो कि साउंड बॉक्स जो है वो आपका ग्लॉटिस के नीचे है, ठीक है, और आपकी जब आवाज़ निकलती है, ये ध्यान रखो कि जब आप बोलते हो तो हम एयर हमारी लंग्स से बाहर निकलती है, तभी हम आवाज़ निकाल पाते हैं, यानी ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन ही हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है, ये बात समझिएगा, तो इसलिए खाना जब निगलते हैं, जब निगलते हैं खाना निगलते हैं तो उस टाइम पर बोलना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए बिल्कुल, क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये क्या होगा कि ये जब बोलेंगे तो आपका ये जब बोल रहे हैं आप तो कि ये आवाज़ एयर बाहर आने की कोशिश करेगी, एयर बाहर आने की कोशिश करेगी तो ये ग्लॉटिस इपिग्लॉटिस खुलेगा, और एपिग्लॉटिस जब खुलेगा तो फूड पार्टिकल कहाँ जाने की प्रॉबिलिटी है, ये आपका विंड पाइप में जाने की प्रोबेबिलिटी है, बहुत नुकसानदायक होता है, ओके, नाउ डाइजेशन, हाउ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बींग, कैसे होता है, देखो उसको थोड़ा सा समझते हैं, सबसे पहले माउथ, माउथ में क्या
क्या करते हैं कि ये पूरा फूड लेते हैं, इनटेक द होल फूड, लेती लिया, दांतों ने क्या किया, चिविंग किया, ग्राइंडिंग किया, फूड का चबाया, जीभ ने क्या काम किया कि ये फूड को रोल करते हैं, ठीक, जीभ ने टेस्टिंग का भी काम किया, ओके, और जीभ ने ही फिर सॉलोइंग और पुशिंग डाउन द फूड जिसको कहते हैं, यानी निगलने का भी काम किया, जीभ के ही सारे ये सब हमने काम की, ठीक, और फिर बोलस बन गया पूरा, ओके। बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक, याद रखना, ये क्या सिक्रीट करती हैं, सलाइवा सिक्रीट करती हैं, साथ में म्यूकस भी होता है सलाइवा के। सलाइवा में एंजाइम बहुत पूछा जाता है, और भी एंजाइम होते हैं, मेन एंजाइम तुमको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, इसका नाम है एमाइलेज, ओके। ये क्या करता है कि स्टार्च को ब्रेक कन्वर्ट कर देता है किसमें, शुगर में, विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, ओके। नेक्स्ट इज इसोफेगस, ओके। इसोफेगस क्या करता है, इसोफेगस में क्या होता है, इसोफेगस से फूड लेते हैं, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, किस मूवमेंट से, बाई पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट कैसे होता है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स ऑफ इसोफेगस, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होता है और उसी से फूड पार्टिकल क्या होता है, आगे बढ़ता है, ओके। नाउ स्टमक, स्टमक में क्या होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, जैसे फूड स्टमक में पहुंचता है गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक, यही पूछा जाता है कि गैस्ट्रिक जूस कहाँ से सिक्रीट होता है, तो बोलना कहाँ से, स्टमक से। व्हाट इज पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट पूछा जाए आपसे, तो क्या बोलना है, बोलना है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द इसोफेगस एंड एलिमेंट्री कैनाल, ओके, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ओके, ऑफ मसल्स, ओके। नाउ अब ये एक और क्वेश्चन कि सलाइवरी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम सिक्रीट होती है, तो बोलना क्या बोलना है, सलाइवरी एमाइलेज। बकल कैविटी में किसका डाइजेशन होता है, तो बोलना स्टार्च का। स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है, तो बोलना शुगर का। अगर आपसे पूछा जाए कि रोटी देर तक चबाते रहते हैं तो मीठी लगने लगती है, क्यों लगने लगती है, क्योंकि इन सलाइवा सलाइवरी एमाइलेज इज प्रेजेंट, तो क्या करता है वो स्टार्च, जो रोटी में स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है, और जैसे ये शुगर बन गई तो रोटी मीठी लगने लगती है। चावल भी अगर देर तक चबाते रहें तो वो मीठे रखते हैं, और इसीलिए कहा जाता है, कहते हैं, हो करना भी चाहिए कि खाना को चबा चबा करके खाना चाहिए, क्योंकि स्टार्च जो हमारे फूड का मेन कंपोनेंट होता है वो किस में, शुगर में कन्वर्ट होता है, ठीक, तो आगे डाइजेशन इजीली होता है। नेक्स्ट स्टमक की बात करते थे हम, कर रहे थे हम लोग, इसमें गैस्ट्रिक जूस है। गैस्ट्रिक जूस में देखो क्या होता है बच्चों, गैस्ट्रिक जूस में होता है एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस होता है। पेप्सिन ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, ठीक, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में, किसमें, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में, यानी पेप्टोन प्रोटीन को ब्रेक कर देता है, ओके। HCl क्या करता है, ये एसिडिक मीडियम बनाता है, क्या, कौन सा मीडियम बनाता है, एसिडिक मीडियम बनाता है, साथ साथ में HCl एसिडिक मीडियम भी बनाया। दूसरा कि स्टमक में, जो स्टमक में ये देखो, जब इसका डायग्राम तुम्हें बनाना हो स्टमक का, तो ये देखो यूँ किया, ये ऐसे आए, ऐसे ऐसे किया, और फिर यूँ गए ऐसे, और ये बहुत आसानी से डायग्राम बन जाता है, ओके। ये यहाँ से आए, फिर इसको कर्व किया, ओके, ये इजीली आप आराम से इस डायग्राम को, जो एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है वहाँ पे स्टमक कैसे बनता है ये इसको बना सकते हो इजीली, ठीक। और देखो और क्या करना है, यहाँ पे एक बात ये भी बता दें, चलो, तो क्या करना है यहाँ पे, अब देखो इस जगह पे, यहीं पर ये पैंक्रियाज बनाना है, ठीक, तो यहीं पर ये पैंक्रियाज बना दिया, ओके, और इसी पैंक्रियाज से देखो, ये पैंक्रियाज से
कलर कोई थोड़ा सा ब्लैक कलर लेते हैं, ब्लैक नहीं है ना, चलो पर्पल लेते हैं। ओके, पैंक्रियाज से देखो, यहाँ से ये अभी आपने कहा था कि पैंक्रियाज से डक्ट आई, ठीक, ये डक्ट कॉमन डक्ट हुई। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे लीवर रहता है, ये देखो ये लीवर है, ये लीवर बना दिया। ओके ओके, और इसी जगह पर यहीं पर ये रहता है क्या, गॉल ब्लैडर। ओके, अब गॉल ब्लैडर भी ये देखो बन गया, गॉल ब्लैडर से आने वाली ये डक्ट हो गई। ओके, ये डक्ट हो गई, ये कॉमन डक्ट हो गई, और ये कॉमन डक्ट आकर के यहाँ पर ओपन हो गई। ओके, तो इजीली डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे आगे चलो आगे बता देते हैं, आगे भी क्या करना है तुम्हें। आगे जब अब यहाँ तक आने के बाद में देखो क्या करो कि लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से बना लो, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहले यहाँ से शुरू करो, ठीक, और ये सब पोर्शन ये पूरा ये बनाते हुए ट्रांसवर्स कोलन, ठीक, ये ट्रांसवर्स कोलन बनाते हुए चले आओ, फोल्ड बना लो, यहाँ भी फोल्ड बना लेना, ये फोल्ड बनाते आए, ठीक, फिर ये आ गए और ये एनएस बन गया, ठीक। अब इधर से ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसके अंदर बननी है, इसके बीच में ये स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगी, ठीक, तो ये फोल्ड बनाते हुए चले आओ, ये फोल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन के ध्यान रखना है, और आकर के सीकम में ओपन कर दो, ठीक। इसकी लेबलिंग आपको पीछे बता दी थी, ये सीकम है, ये कोलन है, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये भी कोलन है, ये भी पूरा कोलन है, ये कोलन है ना, तो ये कोलन हो गई, और ये रेक्टम है, और यहाँ ये क्या है, एनएस है। ओके, यू कैन ड्रा इजली ड्रा द डायग्राम ऑफ दिस इंटेस्टाइन। ओके, नाउ म्यूकस, अब देखो बात कर रहे थे हम किसकी, म्यूकस की, म्यूकस समझिए, यहाँ तक बात हुई थी है ना, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में क्या था, पेप्सिन, जो किसको डाइजेस्ट किया, ब्रेक किया इसने, प्रोटीन को ब्रेक किया। उसके बाद एससीएल ने क्या किया, एक एसिडिक मीडियम बनाया, और साथ में ये एसिडिक मीडियम के साथ में दूसरा यहाँ पर यहीं पर देखिए एससीएल आ रहा है, तो जो बैक्टीरिया वगैरह आ गए तो उनको भी किल करता है, तो किल द बैक्टीरिया, यानी डिफेंस का भी काम करता है। ओके, और एसिडिक मीडियम बनाने का काम ये करता ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट, फूड रीच इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ फूड पहुँचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके, इस इंटेस्टाइनल एंजाइम, ओके, इंटेस्टाइनल एंजाइम जो होते हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम प्लस पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक कर देते हैं, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देते हैं, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में ब्रेक कर देते हैं। ओके, यानी इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, देखो हमारा फूड जो होता है, मेनली ध्यान रखो कि हम लोग जो खाते हैं वो क्या खाते हैं, मेनली हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है और प्रोटीन होता है। ओके, अब देखो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारी बक्कल कैविटी से शुरू हुआ, स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हुआ, बाकी जो बचा वो हमारी इंटेस्टाइन में यहाँ पे डाइजेस्ट होगा, पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम होंगे और इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम होंगे, ठीक, ये सब एंजाइम से डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, फैट जो है जितना भी वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और भैया प्रोटीन जो है ये एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, एंड उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है आपकी, इसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में, है ना, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्बेशन ऑफ द फूड मटेरियल और ब्लड में पहुंचते हैं, दिस विल आई आर द फिंगर लाइक प्रोसेस। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे
एक बात और ध्यान रखो कि स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव क्या किया, ये पैंक्रियाटिक जूस यहाँ से रिसीव किया, और जो यहाँ लीवर के अंदर जो बाइल बना था, जो स्टोर कहाँ हुआ था, जो स्टोर हुआ था कहाँ, जो स्टोर हुआ था गॉल ब्लैडर में, और ये गॉल ब्लैडर से ये बाइल यहाँ भी, बाइल भी आ गया, और इधर से आ गया क्या, ये पैंक्रियाटिक जूस भी आ गया ये, ओके। तो ये अब इस जगह पे डाइजेशन होना है इनसे, देखो ये इस बात को समझिए, ओके। दिस स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द, कहाँ से, लीवर, बाइल जूस है। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस, ये फैट की जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होती हैं इनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, छोटी छोटी ग्लोब्यूल्स में, और इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। आप इसको घर में कर सकते हो आराम से, बहुत इजीली, क्या एक गिलास में है ना, थोड़ा पानी लो, वाटर लिया, और इसके ऊपर जब ऑयल डाल दो, इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दिया, ये तेल डाल दिया, और इसमें से थोड़ा सा सोप डाल दो, ओके, सोप डाल दो, कोई भी लिक्विड सोप कुछ भी थोड़ा सा डाल दो, और इसको तेज़ी से हिलाओ, तो फिर देखोगे कि इसमें जो ऑयल है, इस गिलास के अंदर जो क्या है ऑयल है, वो क्या होगा, ये ऑयल छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे छोटे किस में ड्रॉपलेट्स बनेंगी इसके अंदर, है ना, झाग जैसा बन जाएगा बहुत ज़्यादा, और ये ऑयल की जो लेयर थी वो ब्रेक हो जाएगी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। इसको क्या कहते हो, इसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। इससे क्या होता है, फैट का एब्जॉर्बेशन, डाइजेशन भी इजीली हो जाता है और एब्जॉर्बेशन भी, ओके। पैंक्रियाज, अब देखो ध्यान ये रखना है आपको कि बाइल में जो बाइल है, इस बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं है, देयर इज नो एंजाइम, इसमें कोई एंजाइम नहीं है, नो डाइजेस्टिव एंजाइम, ओके, इसके अंदर, ठीक। डाइजेस्टिव एंजाइम पैंक्रियाज में है, यानी ये पैंक्रियाज, जो ये पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाज, इस पैंक्रियाज से डाइजेस्टिव एंजाइम आएंगे, यहाँ से बेसिक मीडियम बनता है, ये जो बाइल जूस होता है ये बेसिक, क्योंकि स्टमक में HCl था, और यहाँ बेसिक मीडियम, ये पैंक्रियाज के एंजाइम जो केवल बेसिक मीडियम में काम करते हैं, इसलिए बाइल जूस जो है वो यहाँ पे बेसिक मीडियम बनाता है इस जगह पर, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। नाउ नेक्स्ट देखो, पैंक्रियाज क्या किया, पैंक्रियाज में समझ लीजिए, पैंक्रियाज से क्या निकला, पैंक्रियाज जूस में क्या है, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ओके। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन को पेप्टोन्स में ब्रेक कर दिया, और लाइपेज फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो फैट को ग्लिसरॉल में ब्रेक कर दिया, ओके। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इंटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बाई बाइल जूस, ओके। फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्ब क्या करती है, एक्सेस ऑफ वाटर, रेस्ट ऑफ मटीरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, इट इज कॉल्ड इजेशन, ओके। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बच्चों ये देखो, एक और हमको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए ये एक हमने डायग्राम दिया हुआ है, ठीक। इससे क्या करते हैं, इसमें देखिए आप बहुत डिटेल में डाइजेशन की प्रोसेस को समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास में क्या है, इस डायग्राम में देखो, हमारे पास मेन फूड कंपोनेंट कौन कौन से हैं, पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है न्यूक्लिक एसिड, हम न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए भी सेल खाएंगे तो हैं, फैट भी है, ठीक। अब ये चारों मेन हमारा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, ओके। अब कार्बोहाइड्रेट देखिए कौन कौन से पार्ट में हमारा डाइजेस्ट होता है, तो अब इधर से पार्ट लेते हैं, पार्ट में कहाँ से आया, एलिमेंट्री कैनाल का, पहला ओरल कैविटी हुआ, ठीक। दूसरा उसके बाद फूड स्टमक में पहुँचेगा, स्टमक के बाद फूड कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैंक्रियाज के एंजाइम्स हैं वो काम करेंगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो इंटेस्टाइन के एंजाइम हैं वो काम करेंगे, ओके। तो अब देखो कैसे कैसे डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट का देखिए डाइजेशन, पहले सबसे पहले बक्कल कैविटी में होता है, वहाँ एंजाइम कौन है, सलाइवरी एमाइलेज, ओके। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन
पूरा का पूरा ये स्टमक में नहीं होता है। देखो ये बात याद रखनी, समझने वाली है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक के माइलेज भी होता है, ओके। वो जो डाइसैक्राइड यानी जो शुगर है, ठीक, उस शुगर को लास्ट में मोनोसैक्राइड्स यानी ग्लूकोज में ब्रेक कर देता है, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के जितने भी एंजाइम्स, ओके। अब आते हैं प्रोटीन का डाइजेशन, देखो कहाँ हुआ। प्रोटीन का डाइजेशन बकल कैविटी में नहीं होता है, ध्यान रखना, देखो बकल कैविटी में नहीं होता है, यहाँ देखो बकल कैविटी में नहीं हो रहा है प्रोटीन का डाइजेशन, ओके। कहाँ शुरू हुआ, स्टमक से शुरू हुआ, एंजाइम कौन था, पेप्सिन था। अब पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन ने कुछ प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, उसके बाद फिर पैंक्रियाज, जो पैंक्रियाटिक एंजाइम है, पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन है, उसने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, ओके। और उसके बाद फिर इंटेस्टाइन के एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हैं, उन्होंने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया और प्रोटीन लास्ट में किस में कन्वर्ट हो गई, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गई, ओके। अब उसके बाद देखो फैट का डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, बहुत आसानी से इसे समझ सकते हो तुम। फैट का डाइजेशन देखो कहाँ कहाँ होता है, फैट का डाइजेशन कहाँ नहीं हुआ, बकल कैविटी में नहीं है, बकल कैविटी का एरो खाली है, ओके। फिर स्टमक में भी नहीं है फैट का डाइजेशन, ठीक। फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू हुआ है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक लाइपेज है, ठीक। पैंक्रियाटिक लाइपेज की हेल्प से फैट, जो फैट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ओके। यहीं पर बाइल सॉल्ट्स थे, बाइल सॉल्ट ने क्या किया, इमल्सिफिकेशन कर दिया फैट का, जिससे फैट का डाइजेशन इजीली हो गया, ओके। ये इसको आप बहुत इजीली समझ सकते हो बच्चों, ओके। नाउ लोग एक क्वेश्चन और आता है आप में कि जो हर्बीवोरस हैं और कार्निवोरस, इसमें इनकी इंटेस्टाइन में क्या लेंथ में क्या फ़र्क होता है। तो अब देखो ये जो हर्बीवोरस है इसकी एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ ज़्यादा है, देखो इसकी कोलन बहुत बड़ी है ना। हर्बीवोरस में क्यों बड़ा होता है, ओके, ये सीकम देखो इसकी कितनी बड़ी है, ये सीकम देखो ये इतनी सीकम, और हम लोगों में जो सीकम होती है ये बिल्कुल वेस्टिजियल होती है, छोटी सी सीकम है। सीकम मेनली सेलुलोज का डाइजेशन होता है, तो ये सेलुलोज है, और इनकी एलिमेंट्री कैनाल भी बहुत बड़ी होती है, बड़ी एलिमेंट्री कैनाल होती है, ओके। जबकि हर्बीवोरस जो कार्निवोरस है इनकी एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, छोटी होती है। इसका रीजन क्यों छोटी होने का, क्योंकि हर्बीवोरस में, कार्निवोरस में क्या होता है कि जो मीट खाते हैं इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होते हैं, जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ओके। हर्बीवोरस मेनली सेलुलोज होता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, तो ज़्यादा टाइम चाहिए इसलिए लेंथ ज़्यादा ये होती है इनकी, ओके। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओके। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन प्रोसेस, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके।